हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। सो गाइस, अभी जो आपने 3D इफेक्ट वाली स्टेटस वीडियो देखी, तो फ्रेंड्स इस तरह के स्टेटस वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस तरह के स्टेटस वीडियो अगर 30 सेकेंड 15 सेकेंड का बनाकर अपलोड करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे सब्सक्राइब इंक्रेज होते हैं और काफ़ी अच्छा लाइक्स कमेंट्स भी मिलता है, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी इंक्रेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस एडिटिंग के लिए जो मैं जीप फाइल का यूज़ किया हूँ उसका लिंक आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लेना है। देन इसकी एडिटिंग हम करने वाले नोट वीडियो एप्लीकेशन की मदद से। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास नोट वीडियो एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं जो यूज़ कर रहा हूँ प्रीमियम वाला, ये वाला आपको चाहिए तो उसके लिए 10 रुपीज़ आपको पेमेंट करने होंगे, जो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा लाइफ टाइम प्रीमियम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर ए लाइफ टाइम मेम्बर्स, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए मेरे पास है इसका प्रीमियम, तो ये वाला अगर आपको चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। यहाँ मिनी मोड के ऊपर एक एरो आपको दिख रहा है, इस पर सिंपली टैप करना है, टैप करना है, लोड प्रोजेक्ट जीप पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला फाइल दिख जाएगा, लव 3D कपल प्रोजेक्ट, मैंने इसका नाम दिया था। आप इसका किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो, बस मैंने नाम दिया था। अब इस पर सिंपली आपको टैप कर लेना है। देन टैप करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करेगा और यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पर ऊपर देख सकते हैं ये ऐड हो चुका है। देन इसे आपको ओपन कर लेना है। सो गाइस, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे ये सारी एडिटिंग करी हुई है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा एडिटिंग है फ्रेंड्स। आप इसे बनाएंगे आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सॉन्ग की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले तो यहाँ ग्रुप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सॉन्ग ऐड करके रखा है और मैं इसी सॉन्ग को यूज़ करने वाला हूँ, बट आप कैसे सॉन्ग यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, यहाँ से इसे डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ तो ये सॉन्ग वापस आ गया, बट आपको बैक करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस साइड में स्क्रॉल कीजिएगा और ये प्लस का आइकन देख सकते हैं, इस पर टैप कीजिएगा, मीडिया पर क्लिक कीजिएगा। किसी वीडियो से ऑडियो को आप लेना चाहते हो तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो कर लीजिएगा, अदरवाइज आप लोड फ्रॉम फाइल पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। ऑडियो पे क्लिक कीजिएगा तो आपके फ़ोन में जो ऑडियो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और करेंट वाला जो होगा रिसेंट डाउनलोड वाला तो ऊपर में ही आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, जो भी सॉन्ग आपको चाहिए सिंपली उस पर टैप कर दीजिएगा, सॉन्ग ऐड हो जाएगा। अब आप ग्रुप पे क्लिक कीजिएगा और इस साइड में जो एरो देख सकते हैं, ये लाइन जो एरो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप देख लीजिएगा आपका जो ऑडियो एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो ऑडियो को सिलेक्ट कीजिएगा और ट्रिमर पर क्लिक कीजिएगा, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा कट के नीचे आ जाएगा। इसे सेलेक्ट करके 3 लाइन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा तो ये पूरा डिलीट करना है, मैं इसे हटा देता हूँ और ये वाला सॉन्ग जो मैं पहले से ऐड करके रखा था यहाँ पे है, ठीक है। तो आप सॉन्ग को बराबर कर लीजिएगा, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट मैंने कट करने को बोला था, मेरे में एक्स्ट्रा था नहीं इसलिए मैंने ऐसे बताया। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, इस साइड में स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसका जो हाइड करके रखा है तो ये बैकग्राउंड में स्काई था उसे मैंने हाइड किया था, तो आप चाहे तो इसे रहने दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ से 3 लाइन पे क्लिक करके इसे डिलीट भी कर दीजिएगा। मैंने प्रोजेक्ट बना दिया, उसे मैंने डिलीट नहीं किया, एडिटिंग के दौरान मैं एडजस्ट कर रहा था और इसमें रह गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो मॉडल इमेज देख सकते हैं उसे एडजस्ट करना है, तो योर फोटो जो देख सकते हैं इस पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक और चीज़ देख लीजिए, मैंने जो मॉडल यूज़ किया वो कपल इमेज है, एक ही साथ में दोनों इमेज है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि बॉय का अलग और गर्ल का अलग, तो उसके लिए 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा, इसका एक तो डुप्लीकेट कर लीजिएगा, देन 3 लाइन पे क्लिक करके रिप्लेस पे क्लिक कीजिएगा और जो इमेज आप लेना चाहते हो उस इमेज को लीजिएगा। जैसे मैं ये राधा वाला इमेज ले लेता हूँ, लिटिल राधा, तो देख सकते हैं इमेज काफ़ी बड़ा हो गया। अब इसे आपको एडजस्ट करना है तो उसके लिए क्या कीजिएगा, पहले स्केल की मदद से इसे थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, फिर इसे नीचे की तरफ इस तरह से लाइएगा जहाँ तक ये कटे ना, ठीक है, क्योंकि ये कट भी जाता है, पैर ज़्यादा नीचे जाएगा तो यहाँ पर कटेगा, देख सकते हैं अभी तक तो कट नहीं रहा है, तो फिर इसकी मदद से यहाँ से पूरा गायब हो रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसे आपको इतना पे यहाँ पे रख देना है, ठीक है, इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अब सेकेंड वाला जो इमेज है इसे सेलेक्ट कीजिए, 3 लाइन पे क्लिक करके रिप्लेस पे क्लिक कीजिएगा और दूसरा जो इमेज है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना, जो बॉय वाला इमेज आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। अब इस तरह से एडजस्ट कीजिएगा और इस इमेज को भी आपको नीचे कर लेना है इस तरह से, और फिर छोटा करना है इसे, जहाँ पर रखना चाहते हो वहाँ पर आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसे मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, परफेक्ट। और ये जो फर्स्ट वाला इमेज है इसे थोड़ा और नीचे इस तरह से कर लेंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा इस साइड में थोड़ा सा जूम करते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, परफेक्ट, इस तरह से,
ठीक है। तो आप प्ले कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और काफ़ी कमाल का एडिटिंग लगता है फ्रेंड्स। जो आपने स्टार्टिंग में इमेज देखा उस पर तो और भी अच्छा लगता है, बट इसमें अलग अलग मैंने ऐड किया और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना आसानी से आप इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। और ये पूरा 30 सेकंड का स्टेटस है फ्रेंड्स, इसमें आप कोई अच्छा सा सॉन्ग लगाते हो तो आपकी स्टेटस काफ़ी कमाल की बनती है। मैंने यहाँ माइक लगा के रखा है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर प्ले भी करता हूँ तो आपको सॉन्ग सुनाई नहीं दे रहा है, बट यहाँ पर सॉन्ग चल रहा है। तो एडिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब इस वीडियो को सिंपली सेव करना है। सेव करने के लिए ये नीचे जो ये रूट वाला ऑप्शन देख सकते हैं, एरो वाला, इस पर टैप कर लीजिएगा। टैप करने के बाद यहाँ पे सारी सेटिंग करी हुई है, रेजुलेशन भी सही है, FPS भी सही है, क्वालिटी भी सही है। अब आपको ये ग्रीन बटन जो दिख रहा है इस पर सिंपली टैप कर देना है, देन यहाँ पर ये जो एक्सपोर्टिंग है स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी 10 मिनट भी लग जाता है, तो जितना भी टाइम आपको यहाँ पर लगेगा पूरी वीडियो को एक्सपोर्ट होने दीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ से लेफ्ट कीजिएगा, मतलब यहाँ से कहीं दूसरे एप्लीकेशन पर जाइएगा या कुछ भी हाइड कीजिए, मतलब स्क्रॉल जो मतलब इस को कट कीजिएगा पूरा एक्सपोर्टिंग हो जाने के बाद। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 8 मिनट मुझे लगेगा, तो पूरा टाइम मैं यहाँ पे रुकूंगा तभी ये एक्सपोर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप पूरा टाइम दीजिएगा, क्योंकि कुछ फ्रेंड कमेंट कर रहे थे कि एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो उन वो यही करते होंगे, यहाँ से दूसरे एप्लीकेशन पर जाते होंगे या ये बीच में कट करते होंगे, इसकी वजह से नहीं होता होगा। तो आप पूरा इसे एक्सपोर्ट होने दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए इसी तरह की ट्यूटोरियल लेकर आता हूँ, तो उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल पसंद आती होगी, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।